नमस्कार किसान भाइयों, मैं पुष्पेंद्र कुशवाहा कृषि भाई में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। किसान भाइयों, जिन किसान भाइयों ने बाजरे की फसल चारे के लिए जायद के मौसम में लगाई थी, वो अब कटाई के लिए तैयार हो चुकी है और आपने उसका हरे चारे के रूप में अपने पशुओं को खिलाया भी होगा। जो आप वीडियो में देख रहे हैं वो जायद के मौसम में लगी हुई बाजरे की फसल है, अब वो कटाई योग्य हो चुकी है क्योंकि अब खरीफ की फसलों की बुआई का समय आ चुका है। तो किसान भाइयों आप इस समय बाजरे की फसल को काट के उसका साइलेज बना लीजिए, जिससे कि आप आने वाले मौसम में भी अपने पशुओं को हरे चारे के रूप में उसे खिला सकेंगे। और खरीफ के मौसम में हमें इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि जिन जिन किसान भाइयों ने जायद में बाजरे की फसल लगाई है, वो खरीफ में बाजरे की फसल ना लगाएंगे। बाजरे की जगह पर खरीफ में अन्य फसलें जैसे कि मूँगफली, सोयाबीन, कपास, तिल और धान इत्यादि फसलें लगाएंगे, वो बाजरे की फसल नहीं लगाएंगे जिनने जायद में बाजरे की फसल लगाई थी हरे चारे के रूप में। क्योंकि यदि हम दोबारा हेर फेर की फसलें नहीं बोएंगे, एक ही फसलों को हम बार बार खेत में लेते रहेंगे, तो उससे हमारी उपज पर भी प्रभाव पड़ता है और जो खेत में खरपतवार हैं वो भी अधिक आएंगे, कीट पतंगे भी अधिक आएंगे। इसलिए हम फसलों को हमेशा हेर फेर के बोएंगे और जिन्होंने बाजरे की फसल चारे के रूप में ले चुके हैं जायद के मौसम में पिछले सीजन में, तो वो अब स्पष्ट रूप से ये ध्यान रखें कि वह खरीफ में बाजरे की बुवाई ना करें, अन्य फसलों का चुनाव करें। धन्यवाद किसान भाइयों, वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।